2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली में आयोजित जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए खुद नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आगे रखा गया, जिन्हें सर्वसम्मति से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, जिसके साथ ही अब तक लगाए जा रहे सभी कयासों पर मुहर लग गई है। अब नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष पर अगर वो काबिज हुए तो उसके बाद क्या एक तीर से कई निशाने उन्होंने साध लिए, जिसमें से पहला सबसे महत्वपूर्ण पीएम पद, जिसकी चर्चा उनकी पार्टी बार बार करती आई है। आज कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी ऑफिस के सामने नारे लगाए, दूसरे सीट शेयरिंग गठबंधन और उम्मीदवारों का चुनाव और सिंबल जारी करने का अधिकार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ही होता है, जिसे नीतीश खुद अपने पास रखना चाहेंगे। साथ ही अध्यक्ष पद की कुर्सी पाते ही जेडीयू में टूट की संभावना लगभग खत्म हो गई। और आखिरी बात, नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी सहयोगी पार्टी आरजेडी को क्या कड़ा संदेश दिया और दोनों पार्टियों के विलय की जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, क्या उस पर भी विराम उन्होंने लगा दिया है? सवाल यह, क्या नीतीश प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? इन सब के पीछे मूल मकसद क्या उनका यही है? इसी सवाल पर आज की हुंकार। लेकिन पहले आप देख लीजिए वार पलटवार। ललन सिंह जी ने प्रस्ताव रखा कि मैं किसी भी कीमत पर मुंगेर को नहीं छोड़ सकता हूं और इस जिम्मेदारी को आप खुद लीजिए। फिर नीतीश कुमार जी ने उसको एक्सेप्ट किया। अपनी साख पूरे तौर पे नीतीश जी ने गवा दी ललन सिंह जी की बातों में आकर। जेडीयू अब कहीं का नहीं रहा। मैं छोड़कर वो गए थे आरजेडी की तरफ, लेकिन आरजेडी ने उनको अच्छा सिला दिया, उनको जो वादा किया उसे तोड़ दिया। अब जब एनडीए अलायंस के संयोजक नहीं बने तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन गए अपनी पार्टी के। नीतीश कुमार जी जनता दल यू के नहीं, परिवर्तन की चाह रखने वाले सभी कार्यकर्ताओं के और भी सभी जनता के नेता। बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी उस पार्टी की पहचान तो नीतीश जी से ही। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने परमानेंट दरवाजा बंद कर दिया। अब लाख डोरे डाले बीजेपी वाले, वह कुछ होने वाला नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।